केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर विकास कार्यों का भंडारा खोल रखा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं और नजारा देखने को मिल रहा है, जो कि सरदारपुर तहसील की ग्राम पंचायत बांदेड़ी में आम जनता को नहीं मिल रही मूल सुविधाएं, जिनका जिम्मेदार कौन ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत किससे सुनाए अपना दुखड़ा, नहीं सुनी जाती समस्या गरीबों की, और चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे और लालच देकर लिए जाते हैं मतदाताओं से मत, मत देने के बाद भूल जाते वादे स्थानीय प्रतिनिधि और ग्रामीणों द्वारा सामने खुलकर ला रहे ग्राम पंचायत बांदेड़ी का मामला, जो कि सरदारपुर अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत बांदेड़ी का माजरा मांगूद बंगला में कई महीनों से विकास कार्य नहीं किया जा रहा, जो पंचायत बांदेड़ी मांगोद बंगला वार्ड क्रमांक 19 में जमीनी स्तर पर लगा समस्या का अंबार पेयजल आवास योजना सड़क निर्माण राशन कार्ड बेरोजगारी शौचालय निर्माण आदि की समस्या को लेकर एसडीएम सरदारपुर को बताए समस्या। हम रहवासी हैं, हमको ना तो लेटरिन बाथरूम की सुविधा मिली, ना खरंजा हुआ, ना ये पट्टे मिले हमको, ना आवास में घोषित करा, और पंचायत के सरपंच और सचिव के पास जाते हैं तो वो हर बार बोलते हैं कि तुम आबादी में ही नहीं हो, तुम्हारा किसी पात्रता ही नहीं है तुमको किसी चीज़ की। तो आज हम एसडीएम साहब के कार्यालय पे आए आवेदन देने के लिए। क्या बोला एसडीएम साहब ने? आवेदन ले लिया है, अब कार्रवाई करेंगे, वो बोल रहे हैं आगे कार्रवाई करेंगे इसकी। नाम बताओ। मेरा नाम है विनोद। मंजूर नहीं करवाई इन्होंने, दूसरा के लेटरिन पे खड़ा रखी के फोटो खींचने ली गए, बोले तुम्हारे पैसे डाल गए। कौन बोलता है सर? सरपंच। और तुमको कोई पात्रता नहीं मिलेगी, बोले तुम सामान्य समाज हो। तो आज के ज्ञापन क्या होता है? हाँ बस इसके वास्ते हम गए तो उसने कुछ भी नहीं दिया, अभी बरसात ही बांध के रह गए हम। यहाँ भी यही आवेदन दिया हमने, पट्टा का लिए उसे लाना पड़ता है, और शौचालय भी नहीं बनाया, नाली भी पानी घरों में भरा रहा है, और ना कुटी भी मंजूर नहीं करी, नाली भी नहीं बन रही, सबके घर में पानी घुस रही है, और ना पट्टा तो 100 साल ऊपर हो गए रहते रहते, हमारे पूर्वज मर गए और हमको छोड़ गए, पर पानी भी वो समस्या ही दूर नहीं करके गए, और ना कुटिया मंजूर करी एक की भी कभी मांगोद में। पंचायत में जाते क्या बोलते हैं? पंचायत में जाते तो सर वो तो पहले ही भगा देते हैं कि यहाँ पे तो तुम्हारी चल ही नहीं है, आबादी ही नहीं है तुम्हारी। कौन सी पंचायत में रहते हो? दूसरी पंचायत में जाओ बोले तो, या फिर आगे जाओ आपकी पंचायत। सरदारपुर से दशरथ पाटीदार की रिपोर्ट।